ऊपर वाले मकान में भी असर हुआ है। है वो तक नहीं दिख रहा है, अभी पहुंच रहा है तू, तुरंत तो लो इसको भागे पे। किचन से आया? देखा और वो वाला दरवाजा भी निकला है नंबर। इधर को हाँ बता दीजिए। ये ऐसा है, कल रात में 1:30 से 2 बजे करीब, 1:45 बजे करीब की बात है, ये एक बम की जैसी धमाके की आवाज़ आई। तो थोड़ी देर में मैंने सोचा कि ये पटाखे हो रहे होंगे, बारात का सीज़न है। तो बाद में थोड़ी देर में फिर ये बच्चा यहाँ का मम्मी करके पुकारा, तो तब इतने में जल्दी से मैं यहाँ आया। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि यहाँ बहुत बड़ी ये वो हो रहा है, टूट फूट दीवार वगैरह टूटी हुई है, अंदर का सामान बिखरा हुआ है, आधा जला हुआ है। तो फिर मैंने बच्चों को और उसके बच्चों के मम्मी को बाहर निकाला। तो उसके बाद बच्चे से मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बच्चे ने ये बताया कि हवा में आग जैसी आई। तो इतने में सारे लोग अड़ोस पड़ोस के लोग आए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इसका अभी कोई वो नहीं, सिलेंडर वगैरह सब अभी ठीक ठाक है। आपका शुभ नाम? धर्म राव। क्या है सर पूरा? हाँ, ये कल रात कोतवाली पिथौरागढ़ थाना क्षेत्र में एक परिहार सदन है टकाना के पास, चंद्र सिंह परिहार इसके मकान मालिक हैं। उनके घर में रात को करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में एक धमाका हुआ। धमाके से ये पता लगता है कि उनके दरवाजे खिड़कियां दीवारों में दरारें आ गई और दरवाजे खिड़कियां टूट गई। तो सूचना पर हमारे जो नाइट ऑफिसर थे और हमारे कोतवाल साहब श्री ध्यान सिंह जी तुरंत वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ चेक किया। यद्यपि परिवार में वो जो ये चंदन सिंह परिहार हैं, इनकी वाइफ और इनका बेटा था, तो किसी को कोई इंजरी या चोट वाली बात नहीं है, लेकिन घर में नुकसान काफ़ी हुआ। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हमने जा करके वहाँ डॉग स्क्वाड से और जो हमारी BDS टीम से उससे सर्च करवाई है, तो कोई ऐसा एक्सप्लोसिव टाइप की चीज़ हम डिटेक्ट नहीं हुई है। फर्दर क्या चीज़ है, कैसा है, क्योंकि चंद्र सिंह कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, तो उनके आने के बाद घर में क्या ऐसा था जिससे विस्फोट हो सकता है। प्राइम फेसिया आपको ये लगता है कि गैस का रिसाव हुआ, और मंदिर में जो एक लैंप जल रहा था, तो जो गैस का रिसाव हुआ इससे एक सर्कमटेंस क्रिएट हुआ और वो ब्लास्ट कर गया। अभी हमारे प्राइम फेसिया हमारी फाइंडिंग ये है, नेक्स्ट चीज़ें फर्दर हम जो जांच में निकल के आती तो हम तब बता पाएंगे। ठीक है।